व्हाट्सएप चलाते होंगे तो इस ऐप का इम्पोर्टेंस भी भली भांति जानते होंगे। एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में चलाने में दिक्कत भी आती होगी, लेकिन आज एक खबर आई जो आपके सरोकार से जुड़ी हुई है, यानी अब आपको व्हाट्सएप से जुड़ी किसी भी परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। व्हाट्सएप ने एक बड़ा बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद अब आप एक ही अकाउंट को एक साथ चार फोन में इस्तेमाल कर सकेंगे, यानी आसान भाषा में कहे तो आप एक साथ चार फोन में लॉगिन कर सकेंगे। हालांकि अभी सभी जगह ये फीचर को रोल आउट नहीं किया गया है, इसे आने वाले दिनों में धीरे धीरे सभी जगह पर रोल आउट कर दिया जाएगा। अब ये जानकारी कहां से आई, जरा ये भी जान लीजिए। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी यानी मेटा के सीईओ मार्क जकरबर्ग ने इस नए फीचर की जानकारी दी। मार्क जकरबर्ग ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक पर एक पोस्ट के जरिए यूजर्स को इस बात की जानकारी दी। अब नए फीचर की बात हो रही है तो जरा इसके बारे में भी जान लेना बहुत जरूरी है। व्हाट्सएप के इस नए फीचर में आप किसी भी व्हाट्सएप अकाउंट को एक साथ चार डिवाइस पर लॉगिन कर सकेंगे। ये सभी डिवाइसेज इंडिपेंडेंट रूप से काम करेंगे। इसके अलावा जब प्राइमरी डिवाइस पर नेटवर्क नहीं होगा तभी व्हाट्सएप यूजर्स दूसरे सेकेंडरी डिवाइस पर व्हाट्सएप चला सकेंगे। यूजर्स मैसेज रिसीव करने से लेकर मैसेज भेज भी सकते हैं, लेकिन अगर यूजर के प्राइमरी डिवाइस पर अकाउंट लंबे समय तक इनएक्टिव रहेगा तो व्हाट्सएप अकाउंट दूसरे डिवाइस से अपने आप ही लॉग आउट हो जाएगा। अब आप कैसे व्हाट्सएप को लॉग इन करेंगे ये जान लीजिए। व्हाट्सएप यूजर अगर प्राइमरी डिवाइस के साथ साथ दूसरे डिवाइस पर लॉग इन करेंगे तो सेकेंडरी यानी दूसरे डिवाइस के व्हाट्सएप एप्लीकेशन में जाकर फोन नंबर दर्ज करना होगा। इसके बाद प्राइमरी फोन पर एक ओटीपी आएगा जिसे दर्ज करने के बाद आप दूसरे डिवाइस पर भी लॉगिन हो जाएंगे। इसी तरह प्राइमरी डिवाइस पर कोड स्कैन करके भी दूसरे डिवाइस को लिंक किया जा सकता है। बता दें भारत में करीब व्हाट्सएप के करीब 48.9 करोड़ एक्टिव यूजर्स है, वहीं दुनिया में इसके 200 करोड़ से भी ज्यादा यूजर है। व्हाट्सएप को साल 2009 में लॉन्च किया गया था। इसको अमेरिका के ब्रायन एक्टन और जेन कूम ने 24 फरवरी 2009 को लॉन्च किया था। भारत में व्हाट्सएप साल 2010 में आया और आज इसके भारत देश में करोड़ों एक्टिव यूजर्स हैं। बता दें दुनिया भर में व्हाट्सएप के मंथली यूजर्स 2.24 बिलियन से अधिक है। अब कितने बार व्हाट्सएप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया गया है ये जान लीजिए। 500 करोड़ से अधिक बार व्हाट्सएप को प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा चुका है, और तो और एप्पल स्टोर से व्हाट्सएप को 200 करोड़ से अधिक बार डाउनलोड किया जा चुका है। व्हाट्सएप की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि प्ले स्टोर से व्हाट्सएप 8वां सबसे ज्यादा डाउनलोड किया जाने वाला ऐप है। बता दें साल 2014 में फेसबुक ने व्हाट्सएप को $19 बिलियन में खरीद लिया था। अगर आपको हमारे इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।